Yes, students, today we are going to begin with your English reader book and we are going to study unit 2, that is Compassionate Souls. And we are going to start with the part A.2. Read about Mahatma Hansraj, the architect of DAV movement. DAV Andolan jinhone chalaya tha, wo Mahatma Hansraj the, who was द एपिटोम ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कंपैशन, जो बिल्कुल ही सिंपल व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति, और कंपैशन था उनके अंदर, दूसरों के लिए प्रेम भाव था, दूसरों के लिए अपनेपन की भावना थी. महात्मा हंसराज, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये हमने आर्टिकल सॉरी स्पीच भी की थी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो ये एक टॉपिक भी है आपका स्पीच का. और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग मीन्स सादा जीवन और उच्च विचार. महात्मा हंसराज, द फाउंडिंग फादर ऑफ द डीएवी मूवमेंट, वॉज इन डीड अ नोबल सोल. नोबल सोल, बहुत ही भले व्यक्ति थे. फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस. मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मीन्स दूसरों के लिए उनके मन में प्रेम भावना थी, दूसरों के लिए दूसरे व्यक्तियों के लिए दया की भावना. काइंडनेस मीन्स दया की भावना उनके मन में भरी हुई थी. ही वॉज अ महात्मा इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड. महात्मा जिसको कहते हैं ना, महान आत्मा, वो सच में महात्मा ही थे. द टू ग्रेट महात्माज, महात्मा गांधी, हिज लाइफ टाइम वॉज 1869 to 1948, एंड महात्मा हंसराज 1864 to 1938, ट्रेस्ड आइडेंटिकल पाथ्स. दोनों महात्माओं ने, महात्मा गांधी और महात्मा हंसराज ने, एक जैसे ही रास्ते चुने, मिलते जुलते रास्ते उन्होंने चुने. उनकी लाइफ, वे अपने जीवन में मिलते जुलते ही रास्तों पर चले. मीन्स रास्ते यहाँ पर है, उन्होंने जो कार्य किए वो मिलते जुलते थे. वन इन द पॉलिटिकल एंड द अदर इन द सोशियो कल्चरल फील्ड. महात्मा गांधी ने पॉलिटिकल फील्ड में काम किया और महात्मा हंसराज ने सोशियो कल्चरल. सोशियो कल्चरल मीन्स सामाजिक और कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, हमारे धर्म, हमारे देश की संस्कृति से रिलेटेड क्षेत्र में कार्य किया. दे वर ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरीज. कंटेम्प्रेरीज मीन्स एक ही टाइम पीरियड में, जिनका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट एक ही टाइम में था. 1869 में ये बॉर्न हुए थे महात्मा गांधी, और महात्मा हंसराज 1864 में. ये 1948 तक इनकी लाइफ थी और इनकी 1938 तक, तो ऑलमोस्ट एक ही समय में इनकी लाइफ थी. दे वर बोथ फ्रेल ऑफ बॉडी. फ्रेल मीन्स वीक, कमजोर थे, शरीर से कमजोर, बट पोजेस्ड हीरोइक स्पिरिट्स, लेकिन उनमें हीरो जैसी क्वालिटीज थी. हीरोइक स्पिरिट मीन्स उनकी आत्मा में हीरोज जैसे, नायकों जैसे जो हीरो होते हैं इस तरह के, और बहादुरी से भरे हुए उनकी आत्माएं थी. बहादुर व्यक्ति थे ये. दे कुड हैव ऑप्टेड फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरीज. ऑप्टेड मीन्स ऑप्शन, ये चुन सकते थे एक लग्जरीज वाली, सुख सुविधाओं वाली लाइफ चुन सकते थे, बट डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, चोज द पाथ ऑफ हार्डशिप्स, मुश्किलों वाला रास्ता चुना, एंड सेक्रीफाइस टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, और समाज के अपलिफ्टमेंट, उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए इन्होंने बलिदान का रास्ता अपनाया, त्याग का रास्ता अपनाया. महात्मा हंसराज वॉज बॉर्न इन अ खत्री फैमिली विच वॉज रिस्पेक्टेबल बट नॉट वेरी साउंड फाइनेंशियली. खत्री फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि जिनका बहुत मान सम्मान, इज्जत थी सोसाइटी में, लेकिन फाइनेंशियली मीन्स आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी कंडीशन नहीं थी. मीन्स ये अमीर फैमिली नहीं थी. हिज चाइल्डहुड वॉज अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ पॉवर्टी एंड वांट. वांट होता है कमी. वांट एज अ नाउन यूज किया है, एज अ वर्ब तो चाहना होता है. वांट एज अ नाउन मीन्स कमी. उनका बचपन जो था वो, उसमें गरीबी और कमी की कहानियां थी, मतलब बहुत गरीबी में बीता उनका बचपन. व्हेन ही फाइनली ग्रेजुएटेड आफ्टर अ ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड, जब फाइनली बहुत ही अच्छा एकेडमिक मीन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ग्रेजुएशन, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके ग्रेजुएशन कर ली. ग्रेजुएशन मीन्स उन्होंने स्नातक कर ली. 10+2 जो होती है, 12वीं की कक्षा के बाद जो 3 साल का कोर्स होता है, उसको ग्रेजुएशन कहते हैं.
तो जब उन्होंने वो अपनी ग्रेजुएशन कर ली बीए बीकॉम या बीएससी, ओके, तो हिज फैमिली वाज कीन दैट ही टुक अप अ रेम्यूनरेटिव गवर्नमेंट जॉब. उनकी फैमिली को ये इच्छा थी, बहुत ज़्यादा चाहते थे कि अब वो अच्छे पैसे मिलने वाली गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें एंड पुट एन एंड टू द फाइनेंशियल क्राइसिस द फैमिली वॉज फेसिंग. और परिवार की जो आर्थिक स्थितियाँ थी, क्राइसिस मतलब जो मुसीबतें थी उनके ऊपर, उनको वो ख़त्म करें, अच्छी गवर्नमेंट जॉब लें, अच्छे पैसे कमाएं और परिवार की गरीबी दूर करें. बट इंस्पायर्ड बाय स्वामी दयानंद एंड हिज बिलीफ्स, महात्मा हंसराज प्रपोज्ड लाइफ लॉन्ग ऑनररी सर्विसेज टू द कॉज ऑफ द एंग्लो वैदिक एजुकेशन. लेकिन महात्मा हंसराज तो स्वामी दयानंद और उनके विचारों से प्रभावित थे, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वे जीवन भर एंग्लो वैदिक एजुकेशन, जो हमारी DAV दयानंद एंग्लो वैदिक पता है ना आपको, तो एंग्लो वैदिक मीन्स हमारे वेदों से रिलेटेड भी और अंग्रेजी की शिक्षा भी हो, उसके सेवा में, उसके लिए बिना पैसे लिए, ऑनररी मीन्स बिना किसी सैलरीज के, वो जीवन भर काम करेंगे. उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वे सारा जीवन बिना पैसे लिए ही काम करेंगे और एंग्लो वैदिक एजुकेशन को अपने जीवन समर्पित कर देंगे. His dream was realized through the sacrifice of his elder brother Lala Mulk Raj, who very generously offered to share his meager monthly salary of rupees 80 equally with his younger brother. अब उनका ये बलिदान, उनका ये सपना, महात्मा हंसराज का ये सपना कि वो एंग्लो वैदिक एजुकेशन के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे, तो उनका सपना कैसे पूरा हुआ? उनके ब्रदर लाला मुल्क राज ने अपनी मामूली सी 80 रुपीस की सैलरी को अपने भाई के साथ इक्वली शेयर करने के लिए डिसाइड कर लिया. मीगर मींस बहुत ही कम, जिसमें काम नहीं चल सकता, बहुत कम मंथली सैलरी 80 रुपए थी उनकी. तो 80 रुपए में लाला मुल्क राज का अपना परिवार भी था और उन्होंने अपने भाई महात्मा हंसराज के साथ भी उसको शेयर करना डिसाइड कर लिया. When Mahatma Hansraj's wife realized the true loftiness of his ideals, जब महात्मा हंसराज की वाइफ को भी लगा कि उनके आइडियल्स, उनके आदर्श बहुत ऊंचे हैं, उनकी सोच बहुत ऊंची है, she too willingly offered to support him by adopting a simple lifestyle, तो उन्होंने भी अपने हस्बैंड को, महात्मा हंसराज को सपोर्ट किया, उनके सहयोग किया, एक सिंपल लाइफस्टाइल जीने लगी वो भी. उन्होंने भी बहुत ही सुख सुविधाओं वाले जीवन के सपने लेने या उसको जीना छोड़ दिया, सिंपल लाइफस्टाइल शुरू कर दिया. ऑल्दो महात्मा हंसराज वाज इनडिफरेंट टू वर्ल्डली रिचेस, दुनिया की अमीरी से इनडिफरेंट मतलब उससे प्रभावित नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको. देयर वर ओकेजंस व्हेन ही फेल्ट द पिंच ऑफ पॉवर्टी, लेकिन फिर भी कभी कभी गरीबी की मार, गरीबी की पिंच मतलब कि गरीबी की मार उनको फील होती थी कि मैं गरीब क्यों हूँ. कब होता था? One such occasion was when Lala Sundar Das, the headmaster of San Das Anglo Sanskrit High School, Jalandhar, wrote to Mahatma Hansraj asking him to come over to help him in a grave crisis. Ek bar, headmaster of San Das Anglo Sanskrit High School, Jalandhar, वहाँ के जालंधर के इस स्कूल के हेडमास्टर लाला सुंदर दास ने महात्मा हंसराज को लेटर लिखा और उनको बुलाया कि बहुत सीरियस मुश्किल आ गई है और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए. तो उन्होंने लेटर लिख के बुलाया. महात्मा हंसराज हैड टू रिग्रेटफुली इन्फॉर्म हिम दैट मच एज ही वुड हैव लाइक टू विजिट हिम टू हेल्प हिम आउट, ही कुड नॉट डू सो बिकॉज ही कुड नॉट स्पेयर द रेलवे फेयर टू जलंधर एंड बैक. लेकिन महात्मा हंसराज को उनको बहुत ही रिग्रेटफुली, बहुत पछतावे के साथ इन्फॉर्म करना पड़ा कि वो उनकी हेल्प करने आना तो चाहते थे, लेकिन उनके पास जलंधर तक आने के लिए और वापस जाने के लिए रेलवे फेयर, रेल का किराया लेने के लिए, रेल के टिकट का के पैसे उनके पास नहीं थे, तो वो उनकी हेल्प के लिए नहीं जा सके. तो ऐसे मौक़ों पर महात्मा हंसराज को बहुत बुरा फील होता था कि वो दूसरों की, समाज की भलाई के लिए कुछ नहीं कर पाते अपनी गरीबी की वजह से. ये पिंच ऑफ पॉवर्टी था उनके लिए. ऑन अनादर ओकेजन व्हेन अ केस ऑफ डिस्ट्रेस केम टू हिज पर्सनल नोटिस फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली एट लाहौर, ही गेव व्हाटएवर हेल्प ही कुड फ्रॉम हिज स्लेंडर रिसोर्सेज.
और एक बार महात्मा हंसराज को एक और मौका ऐसा मिला जिसमें बहुत ही मुसीबत में आ गया था। उनको पता चला कि लाहौर में एक फैमिली, रिस्पेक्टेबल फैमिली, बहुत ही प्रॉब्लम में आ गई है। तो उन्होंने जितने भी उनके पास स्लेंडर रिसोर्सेज मीन्स जैसे भी वो मदद कर सकते थे उन्होंने उनकी मदद की। बट वी फाइंड हिम सोरोफुली रिकॉर्डिंग इन हिज डायरी, लेकिन उन्होंने दुखी होकर अपनी डायरी में ये लिखा, आई विश आई हैड मोर मनी सो दैट इट माइट हैव बीन पॉसिबल फॉर मी टू हेल्प टू अ लार्जर एक्सटेंट। उस परिवार की हेल्प तो कर दी, लेकिन फिर भी ये लिखा अपनी डायरी में कि काश मेरे पास और पैसे होते और मैं और ज़्यादा उनकी मदद कर सकता। तो इस तरह से महात्मा हंसराज दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, चाहे उनके पास अपने रहने के लिए, जीने के लिए बहुत कम सुख सुविधाएँ थी, बहुत कम रिसोर्सेज थे, फिर भी दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। समटाइम्स महात्मा हंसराज वुड ऑफर हेल्प वेन इट वॉज नॉट इवन आस्क्ड फॉर, कई बार तब भी मदद करते थे जब उनसे कोई कहता भी नहीं था। वन इवनिंग ही मेट एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ हिज हु वॉज सर्विंग इन अ पोस्ट ऑफिस। एक बार वो अपने एक स्टूडेंट से मिले, पुराने स्टूडेंट से, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था। द यंग मैन वॉज विजिबली डिस्ट्रेस्ड, दिखने में ही वो बड़ा परेशान नजर आ रहा था वो यंग मैन। On being asked the reason, he told his pathetic tale without expecting any monetary help. Monetary होता है money से related. तो जब उसे पूछा गया तो उसने अपनी दुख भरी दास्तान, दुख भरी कहानी सुना दी और वो कोई help की उम्मीद नहीं कर रहा था। On closing the account for the day, it was discovered to his horror that he was short of cash. उसने बताया कि post office में जब वो closing का time आया, दिन भर के जितनी कमाई थी उसका हिसाब किताब करने का टाइम आया, तो उसने देखा कि उसके पास कैश जो है, पैसे कम पड़ गए। ही हैड टैलीड द अकाउंट मैनी अ टाइम, टैली करना मीन्स मिलाना, मिलान करना, पूरे अकाउंट, पूरा हिसाब किताब को बार बार उसने जोड़ कर देखा, बट इन वेन, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। He knew for sure that the discrepancy would be detected the next day. उसे पता था कि ये जो discrepancy, ये जो कमी उससे रह गई है, ये अगले दिन पकड़ी जाएगी, detect हो जाएगी, पता चल जाएगी। He also admitted that he would be lucky if he escaped merely with dismissal from service. और उसने ये भी माना कि अगर उसे job से निकाल दिया जाएगा, service से dismiss कर दिया जाएगा, तो भी वो lucky होगा। लेकिन सिर्फ job से नहीं निकाला जाएगा, ऐसी लापरवाही के लिए, डिस्क्रिपेंसी, लापरवाही के लिए हो सकता है उसे जेल जाना पड़े। ओके, तो महात्मा हंसराज हर्ड हिम पेशेंटली एंड टुक हिम होम। महात्मा हंसराज ने उसकी बात धैर्यपूर्वक सुनी और उसे अपने घर लेके गए। ही हैंडेड हिम द अकाउंट्स बुक ऑफ हिज वाइफ एंड टोल्ड हिम टू टेक आउट एज मच एज नीडेड टू मीट द कैश शॉर्टेज। उन्होंने अपनी पत्नी की अकाउंट बुक, अकाउंट बुक मीन्स बैंक के अकाउंट की जो बुक होती है, कॉपी होती है, वो पकड़ा दी और कहा कि जितनी जरूरत है ना, ये तुम्हारी शॉर्टेज, जितने पैसे कम है तुम्हारे पास, उनको दूर करने के लिए उतने पैसे इसमें से, अकाउंट में से निकाल लेना। द यंग मैन वॉज टंग टाइड विद ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुल था, इतना आभारी था कि टंग टाइड कुछ बोल नहीं पाया। बट एक्सट्रीमली ग्लैड टू बी एबल टू रिटेन हिज जॉब, लेकिन अब बहुत खुश था कि अब उसकी जॉब बची रहेगी, उसे जॉब से नहीं निकाला जाएगा। इट्स ईजी टू बी चैरिटेबल वेन यू आर ब्लेस्ड। अगर आप ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड मीन्स अगर आप रिच हो, तो चैरिटेबल, दूसरों पर दया हम दिखा सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ओके, बट रियल चैरिटी कम्स फ्रॉम स्केयर्स क्वार्टर्स। ये आपका एक प्रोवर्ब होती है, रियल चैरिटी कम्स फ्रॉम स्केयर्स क्वार्टर्स। जब आप स्केयर्स क्वार्टर्स मीन्स खुद कमी में हो, बहुत आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, गरीबी में हो, और तब आप चैरिटी करते हो, तो वही सच्ची दया है दूसरों के लिए। चैरिटी मीन्स दानशीलता, दूसरों के लिए दान करना, वही है जब आपके पास, खुद के पास भी बहुत कम हो और फिर भी आप दूसरों को दान करते हो। Truly, only a Mahatma or a divine soul is capable of such great deeds. ऐसे महान कार्य एक महात्मा या एक divine soul, एक दिव्य आत्मा ही कर सकती है। The inspiring ideals of Mahatma Hansraj will keep on enlightening the youth of our nation. महात्मा हंसराज के जो आदर्श हैं,
उनके विचार हैं जो इंस्पायर करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, वो हमेशा हमारे देश के नौजवानों को एक एनलाइटनिंग मीन्स उनको अंदर से प्रकाशित करते रहेंगे, उनको एक इंस्पिरेशन देते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। अ फिलेंथ्रोपिस्ट इन ट्रू सेंस, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जो समाज की भलाई के लिए काम करता है। अ फिलेंथ्रोपिस्ट इन द ट्रू सेंस, हिज एंटायर लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म। उनकी पूरी लाइफ दूसरों के प्रति प्रेम की भावना, दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए अपनेपन की भावना और मानवता से भरी हुई है उनकी पूरी लाइफ। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन सेंटेंसेस को आपने इस पूरे लेसन के बेस पे कंप्लीट करना है, ट्राई करना है। ये आप खुद करोगे और अभी आप करके देखिए इसको।